साथ ही सीएम धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त के 1120 लाभार्थियों को कुल 6,72,00,000 की धनराशि का डमी चेक भी सौंपा। फिलहाल सीएम धामी रविवार को टिहरी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। टिहरी से अरविंद नौटियाल के साथ टीम न्यूज टेक। खबरों में बढ़ेंगे आगे बात हरिद्वार की। हरिद्वार के दो दिवसीय दौरे पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी दोपहर 2:30 पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों के पक्ष में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। बड़ी खबर आपको बताते चले, हरिद्वार से दो दिवसीय दौरे पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वक्त 2:40 बताया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी गंगा आरती में भी शामिल होंगे और गंगा स्नान और लंगर सेवा के बाद दिल्ली रवाना होंगे। उधम सिंह नगर के प्रभारी और ग्राम विकास मंत्री उधम सिंह नगर के दौरे पर रहे, जहां वो राज्य मिस्त्री ट्रेनिंग कार्यशाला के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने 99 कुशल राज्य मिस्त्री को प्रमाण पत्र और टूल किट वितरित किया। इस दौरान गणेश जोशी प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र भी करते नजर आए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है, उसके तहत आज 5 जिलों के करीब 500 किसानों को राजमिस्त्री की ट्रेनिंग दी गई। 9 दिन की ट्रेनिंग के बाद उनको टूल किट यहाँ पे वितरित किए गए, सर्टिफिकेट दिए गए, साथ ही श्रम हानि, क्योंकि 9 दिन उन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग की है, 9 दिन में उनकी जो अपनी श्रम हानि हुई उसके एवज में 3,974 रुपए उनके खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से डाले गए। रामनगर में होने वाले 3 दिवसीय G20 सम्मेलन को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, IG नीलेश आनंद भरने ने पंतनगर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। इसके साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर रामनगर तक रोड का निरीक्षण करते नजर आए। साथ ही इससे जुड़े विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। 26 मार्च से 28 मार्च तक 3 दिवसीय G20 सम्मेलन रामनगर में होना है। सम्मेलन में शामिल होने के लिए यात्री फ्लाइट से पंतनगर एयरपोर्ट से पहुंचेंगे और किसी भी यात्री को आने जाने में कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसे लेकर पंतनगर एयरपोर्ट के साथ ही रामनगर तक राजमार्ग का निरीक्षण किया जा रहा। देखिए, G20 की दो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स की राउंड टेबल उत्तराखंड में होनी है और ये रामनगर में होगी, क्योंकि इसकी हैंडलिंग पंतनगर से होगी, एयरपोर्ट भी यहीं का ऑपरेशनल है। उसके अलावा जो हाईवे से हम लोग गुजरेंगे, इसके सारे इंतजाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत अच्छे स्तर के होने चाहिए, वर्ल्ड क्लास होने चाहिए। उसको देखने आज हम आए हैं और अभी सभी ऑफिसर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से पहली बात तो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं क्या क्या कमियां हैं, समयबद्ध तरीके से इनको कैसे पूरा करना है और किस किस की क्या जिम्मेदारी होगी। खबर हल्द्वानी से, जहां हल्द्वानी में अवैध पार्किंग को लेकर विकास प्राधिकरण एक्शन में है और शहर के बड़े बड़े शोरूम और शॉपिंग मॉल में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने पर प्रशासन अब कार्रवाई में जुट गया है। ऐसे में सभी व्यावसायिक इमारतों को चिन्हित कर नोटिस भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। उसमें प्राधिकरण की तरफ से जो बड़े बड़े शोरूम थे जिन्होंने पार्किंग अपनी खत्म कर ली है या जो उनका बेसमेंट और पार्किंग था उसको वो अन्य व्यावसायिक चीजों में यूज कर रहे हैं, उनको प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाह रही हूँ कि जो भी कमर्शियल जो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें जो भी पार्किंग के लिए उन्होंने दर्शाया है उसे वो खत्म मत करें, क्योंकि उसमें कड़ी कार्रवाई प्राधिकरण की तरफ से की जाएगी। और शहर में एक यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य भी है। राजधानी देहरादून में हाउस टैक्स बकायेदारों पर कार्रवाई को लेकर नगर निगम एक्शन में है और नगर निगम की तरफ से बकायेदारों को नोटिस भेजने का काम शुरू हो गया है। वहीं नोटिस के बाद भी हाउस टैक्स जमा नहीं करने पर नगर निगम जुर्माना के साथ साथ कुर्की की भी कार्रवाई कर सकता है। इस वित्तीय वर्ष की छूट मार्च में समाप्त हो जाएगी और उसके बाद
छूट का भी नुकसान होगा और साथ में ब्याज दर भी लगना शुरू हो जाएगा। तो मेरा सभी लोगों से जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स अभी जमा नहीं करवा पाए हैं, यही एक अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें कि ऑनलाइन अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा दें, और जिसको ऑनलाइन में कुछ समस्या आ रही है तो कंप्लेंट का भी हमने ऑनलाइन में प्रावधान दे रखा है, यदि अपनी कंप्लेंट डालते हैं तो उनकी ऑनलाइन एंट्री को दुरुस्त भी कर दिया जाएगा। इनके भी अरिया डिमांड आज की तिथि में पेंडिंग है, उन सबको नोटिस जारी किए जा रहे हैं, डिमांड नोटिस जारी किए जा रहे हैं, और यदि डिमांड नोटिस के बाद भी वो टैक्स जमा नहीं कराया जाता है तो उस